काम होता जा रहा है और भी। अभी तो मैं जाप भी नहीं कर पा रहा हूँ, नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। भाई लोग अब देखिए, हम इनके कान में आपका नाम लेके फूंक लगाते हैं जय शनिदेव, और ये महसूस करेंगे जहाँ भी इनको निगेटिविटी होगी उसका संधान इनको खुद पता चलेगा कि मेरे शरीर में यहाँ पे निगेटिविटी है। जी राजकुमार जी, क्या हो रहा है? सर में लगी, पैरों में गई, झन 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 कहाँ हुआ, और सर में भी गई, पैर में, कमर में, पेट में, कहीं भी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर से पूरी बाहर निकल गई तो कान में फूंक लग रही है। अब देखिए कहाँ पे है, खड़े होके चलिए, महसूस कीजिए यहाँ से सीधे जाके। जगह दे दो भाई बीच में। तुम क्यों बैठ गए? घर जाने का काम कर रहे हो? आप बोला काम डिस्टर्ब करो। आपके दर्शन करने आए, दर्शन करो, बात भी खाओ, केला भी खाओ, तुम ऐसे मत करो मेरे साथ। ले, हाँ ले, ले माता। बताओ भैया कैसा प्रतीत हो रहा है? बताओ भैया, गणपति में हो रहा है। गणपति में क्या लग रहा है? अच्छा, पैरों का क्या रहा? जब यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अनिद्रा आ रही है, और निद्रा का सारा संबंध यहाँ से है, यहीं से है ना। अब यहाँ पे हो रहा है ना, बाद में पता चल रहा है ना, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब निगेटिविटी से। पैरों में आपके कुछ भी होना बंद हो गया तो इसका मतलब आपको निगेटिविटी सता रही है। आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आपको गहरी पैठ है निगेटिविटी की। आया समझ में? एक पहलवान लड़का था, उसकी एडी में दो प्रेत बैठते थे और उसको कुश्ती नहीं करने देते थे, तो वो बहुत दिन तक बिना कुश्ती किए रह रहा था। और बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो वो बिना कुश्ती किए रह नहीं सकता था, और रोज की पहलवानी थी उसकी। तब वो मेरे धाम पे रुका, दो चार महीने रहा, फिर उसने एक दिन दो ट्रॉली माटी जो है वो सारे धाम में फैला दी, और उसके बाद से उसके एडी के प्रेत चले गए। जो वजन रहता था, जो भार रहता था, जो कुश्ती करने में दिक्कत देता था, वो सारा का सारा भार खत्म हो। राजकुमार जी, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया कि आपको दोष है, तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको समय ज़रूर दूंगा, कोशिश करूँगा आप बहुत जल्द ठीक हो जाओ, और इतने तो ठीक हो जाओ कि आप नींद भी लो अच्छी, और क्या कहते हैं, आपका शरीर भी भरता हुआ आ जाए। आप कोई बहरहाल काम तो करते नहीं होंगे घर पर? नहीं करते हैं तो आप अपने भाई को भेज सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं, अपना नित्य रह के इलाज करा सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे हाथ की दीवी केला जय शनिदेव। जय शनिदेव। डॉक्टरों पे आज तक आपने कितना पैसा खर्चा है, किया है? घना कितना? लाख रुपए ले लिए। लाखा क्यों ले लिए भाई? 20,000, 10,000, 30,000 इतना चेक के लेते हैं, चेकअप के। फिर अभी चल के आए हैं उनके चेकअप में और दवाइयों के बाद से ऐसे चल के आए हैं? कभी नहीं आए हैं। ऐसे कितने साल हो गए आपको हल्के पैसे चले हुए? नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, 6 साल से ये चला नहीं है ऐसे हल्के पैसे, और दोष इसको निगेटिविटी का है, ये इसको आज पता चला है। 6 साल से जो भारत के एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो इसकी चिकित्सा कर रहे थे, इसका पैसा लूट लूट के खा रहे थे, और इसको बर्बाद करने की कगार पर ला दिया। मैं ये पूछता हूँ राजकुमार, जितना पैसा उन्होंने लिया क्या उतना पैसा आज तक अपने ज़िंदगी में कमाया?
माय लॉर्ड ये बात भी नोट कीजिएगा, ये लड़का पढ़ा लिखा है कितने प्लस टू इसने की, प्लस टू करने के बाद ये बीमार हो गया। माय लॉर्ड ये नोट कीजिएगा कि अभी इसने एक रुपया कमाया नहीं था, अभी ये घर वालों का ही खा रहा था, माता पिता का, भाइयों के द्वारा कमाया गया खा रहा था, और ये जब खा रहा था तो उसको दीर्घ अवधि हो गई है और ऊपर से डॉक्टरों को पैसे दे रहा था। माय लॉर्ड भारत का एक एक नौजवान अगर ऐसे निगेटिविटी से ग्रस्त होगा और हम उसको ये कह के छोड़ देंगे कि इसको ये अंधविश्वास में ना पड़े और इसको डॉक्टरों से इलाज कराए, और डॉक्टर माय लॉर्ड इसको पूरा का पूरा ठग लेगा, और इसको मंत्र चिकित्सा की आवश्यकता थी, ना किसी एलोपैथी की, ना आयुर्वेदिक की, ना यूनानी की, और कोई औषधि की इसको ज़रूरत नहीं थी। माय लॉर्ड हो सकता है निगेटिविटी से इसको बहुत सारे रोग पनप गए हों, लेकिन आप भी अपना कृपा कीजिएगा, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और मनु भैया से इसके लिए प्रार्थना कराते रहिएगा, ये स्वस्थ हो, सुखी हो, और सुखी होकर अपने घर जाए। माय लॉर्ड इसी में आपकी शनिधाम की लाज है, और आपने हजारों बार डॉक्टरों को फेल किया है, लाखों बार फेल किया है, क्योंकि डॉक्टर आपके सामने, आपके मंत्र के सामने, आपके नाम के सामने कहीं भी नहीं ठहर पाता है, वो केवल झूठ का पुलिंदा बांध के रखा हुआ है उसने, और वो अपनी मशीनों से कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। क्या ऐसा हुआ कोई टेस्ट आपने बार बार कराया उसमें हर बार अलग रिपोर्ट आई हो? ऐसा नहीं हुआ तो रिपोर्ट क्या आती है? रिपोर्ट में शुगर ही दिखाते हैं बस। शुगर तो वो इसलिए दिखाते हैं कि शरीर में मान लिया शुगर जैसा कोई रोग है, वो पनप गया है, अब वो शुगर आ रहा है, आपको कहीं भी दर्द है वो चेक कर रहे हैं शुगर ही, कुछ और तो चेक नहीं किया या किया? नहीं तो शुगर का एक बार का टेस्ट कितने का होता है? शुगर जैसे पैरों को करवा रहा हूँ, जब कह दिया फिर पैरों में दर्द है, हाँ। तो उधर टेस्ट कर दिया, अभी देख चेक कर, एक्स्रा एक्स्रा कर दिया, हाँ। गोली दवाई दे दी, हाँ। ऐसे करते हैं, वही 10-20 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं हर बार प्रक्रिया में, और ये करते करते 8-7 साल हो लिए। राजकुमार मैं यूँ पूछता हूँ कि आप मेरे से इतनी देर से बातें कर रहे हैं, आप लड़खड़ा भी अब कम रहे हैं, आप स्वस्थता से खड़े भी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसका मतलब मैं राजकुमार ये बात मान सकता हूँ आप बड़े लंबे आदमी हैं, यानी कि मुझे आपकी तरफ ऐसे करके देखना पड़ रहा है, ठीक है ना? राजकुमार मैं ये मान रहा हूँ कि आप अपने शरीर को भी महसूस कर रहे हैं, आपने 8 साल डॉक्टरों से इलाज कराया, क्या उसमें इतनी स्वस्थता महसूस की जितनी अभी कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, आपके इलाज में एक प्रॉब्लम और आई है कि आपका इलाज होता गया और आपके रोग बढ़ते गए, ऐसा ही हुआ है? राजकुमार नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, ये एक मेन पॉइंट है कि ये डॉक्टर जिसका इलाज कर रहे हैं उसके रोग उल्टा बढ़ते जाते हैं, चाहे वो गठिया बाय है, चाहे वो सोराइसिस है। माय लॉर्ड आप वचन दीजिए कि इन डॉक्टरों का जल्द ही सत्यानाश करेंगे, इनको अपने तीर कमान से, अपने हंटर से, और अपने शत्रुनीरों से, और मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे, और आप कलयुग के अधिपति नाथ हैं माय लॉर्ड, फैसला कीजिएगा, बड़ा ही आप तो अद्भुत दिन है, हनुमान जी महाराज को भी आप मनाइएगा, ताकि इन सब डॉक्टरों की गर्दन तोड़ी जा सके जिन्होंने राजकुमार का इतने दिन पैसा लगवाया था, उसको निगेटिविटी से रोग, और करा दिया उन्होंने रोग बीमारियां करार देखे, इसका पैसे पे पैसा लगवाए जा रहे हैं। एक बात और गौर करने लायक है कि बच्चे ने आज तक एक पैसा कमाया नहीं है। माय लॉर्ड भारत का बहुत सारा युवा ऐसे दबा पड़ा है, ठीक है, एक दिन इन्हीं बीमारियों में उसका घर बिक जाता है, और घर अगर नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भी आके देता है तो उस घर की कोई कीमत इसलिए नहीं रहती, क्योंकि जो ही वो किसी भी बीमारी का शिकार होगा और निगेटिविटी का शिकार होगा तो घर को डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे दे के बिकवा देगा, और इतना पैसा उसका खर्च करा देता है, तो गरीब आदमी पर बड़ी मार पड़ रही है। कलयुग में अत्याचार बढ़ रहा है, कलयुग में अनाचार बढ़ रहा है, और ये डॉक्टर अनाचार पे अनाचार, अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। माय लॉर्ड कोई माता बहन इन्होंने छोड़ी नहीं है, जिसको 10 दिन कहीं दर्द हो जाता है तो उसको बता देते हैं कि तेरा यहाँ से पेट कटेगा, तेरा यहाँ से पैर कटेगा, तेरा यहाँ से घुटना कटेगा। माय लॉर्ड हम ये कहते हैं आपके दरबार में आने वाले लोगों की, अगर लोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पैर नहीं कटना है, घुटने में प्रॉब्लम थी कोई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आपके द्वारा दिया गया असली घुटना नकली घुटने में बदल दिया, और आपकी बजाय खुद को भगवान साबित कर दिया। माय लॉर्ड इसका न्याय आपके हाथ में है, हम तो केवल गुहार कर सकते हैं। मेरे साथ मिलके सारे बोलिए, बोले गरीबों करो पुकार, गरीबों करो पुकार, निर्विकार निर्विकार वो अधमो द्वारक
वो आत्मो द्वारक ले ले जो अवतार लेने जो अवतार गरीबो गरीबो करो पुकार करो पुकार। बोल दीजिए जय शनिदेव जय शनिदेव। ठीक है राजकुमार भाई।